मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आपको पता ही होगा कि आज जो है लास्ट नवरात्र है माता का, और आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है लास्ट नवरात्रा माता का, और आपको मैंने बताया था कि मैंने फास्ट भी रखे हैं, और अभी मैं हूँ माता के दरबार में जहाँ के मैंने जव रखे थे। तो देख लीजिए मेरे जव कितने कितने बन चुके हैं, और यहाँ पर जो है हमने जव रखे थे, और अभी हमने यहाँ पर पूजा भी करनी है। तो मसा अभी नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं हम, और खाना भी तैयार कर दिया, अभी करना है हमने कन्या पूजन। तो पहले यहाँ पर पूजा कर लेते हैं और उसके बाद कन्या पूजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पर माता की पूजा। तो गाइस अभी हमने पूजा भी कर ली है मैंने और दीदी ने, तो अब हमने करना है, हमने फूल लाए हैं। तो आज रामनवमी है तो राम के मंदिर में भी फूलों के हार चढ़ाने हैं, तो अभी फूलों का काम स्टार्ट करते हैं बनाने। तो अब मैं फूल बनाती हूँ मैं और दीदी। तो गाइस अभी मैंने और दीदी ने फूल भी बना लिए हैं, तो अब हम जाएंगे मंदिर में पहले पूजा करने, और साथ में जो यहाँ पर हमने नारियल चढ़ाया है वो भी हम ले लेंगे और उसको भी काट देंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ से जव लेंगे। तो अभी फूल और नारियल लेते हैं नीचे, पहले मंदिर जाएंगे, रामनवमी है तो राम भगवान जी को फूल चढ़ा के आते हैं। तो अब मैं यहाँ से ये उठाऊंगी नारियल जो कि हमने यहाँ पर रखा था, और उसको इसको तोड़ने के लिए ले लेंगे। तो दीदी चलाएगी फूल और मैं चलाऊंगी नारियल, तो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी हम अपने मंदिर में आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर राम भगवान जी का मंदिर है। तो अब मैं इनको हार चढ़ा लेती हूँ जो कि मैंने लाए हैं। गाइज अभी मैंने और दीदी ने कन्या पूजन भी कर दिया है समाप्त, तो सारी कन्याएं भाग गई जल्दी जल्दी, और दो कन्याएं पीछे बैठी हैं। तो ये अभी हलवा खा रही हैं, पूड़ियाँ वगैरह। तो अभी चलते हैं जो उनका सज्जित करने। गाइज अभी हम कन्या पूजन कर आ चुके हैं ऊपर जहाँ के हमने माता रखी थी। तो अभी देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में जो माता है जो कि हमने जौ लगाए थे। तो अभी मैं और दीदी चल पड़े हैं इनको नदी में विसर्जित करने, तो चलते हैं फिर। तो गाइज अभी हम नीचे आ चुके हैं, तो अब चलते हैं पीछे के लिए इनको विसर्जित करने। Thank you.
तो फाइनली गाइस अभी हम रस्ते रस्ते चल रहे हैं जू को लेकर। तो अभी एक तीसरा बंदा भी आ चुका है, तो मैंने आपको इससे पहले भी मिलवा लिया है तो आप तो इसको जानते ही होंगे। तो चलते हैं फिर रस्ते रस्ते, तो फिर आप पहुंच के उधर थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे अभी। तो फाइनली गाइस अभी हम नाले में पहुंच चुके हैं, तो अब हम जू को पानी में नीचे रख लेंगे। तो मैं रखना स्टार्ट करती हूँ, पहले इनको धूप जला लेते हैं उसके बाद। जा रही है सपना जो के जोऊ को पानी में रखने, तो देख सकती हैं आप। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि अभी वो चल ही रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी। अभी हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, घर में भी पहुँच जाएंगे हम जल्दी ही, बस अभी 2-3 मिनट लगेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और सपना भी थी हमारे साथ, वो अपने घर चला गए, तो हम अपने घर आ चुके हैं और अब हम खाना वगैरह खाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा अंदर का भी काम होगा करने के लिए, क्योंकि कन्या पूजन के बाद हम सीधा ही जोगों को सज्जित करने चला गए थे। तो गाइस मैं आपको दीदी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दीदी वीडियो को क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख लेना और रजनी जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रजनी जो इतनी मेहनत करती है वीडियोस बनाने के लिए और आपके खातिर ये पूरे मैनेजमेंट पॉइंट भी लेती है। तो वीडियो इसकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लेना, और क्योंकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।